أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعن الدائم الأعداء إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. صدق اللہ العلی العظیم. ہماری گفتگو آیت نمبر 96 کے ذیل میں چل رہی تھی، اور جو درحقیقت اوپر کی آیات سے متصل اور کنیکٹڈ ویسے دو اعتبار سے متصل ہیں، ایک قوم بنی اسرائیل کی جو مذمت میں ان آیات کا جو سلسلہ چل رہا تھا اس اعتبار سے وہ متصل ہے، اور اوپر تقریباً 94 95 کے جہاں پر قوم بنی اسرائیل کو قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر تم جو ہے وہ اپنے ایمان میں سچے ہو تو موت کی تمنا کرو، پھر 95 میں قرآن یہ کہتا ہے کہ کبھی بھی یہ لوگ موت کی تمنا نہیں کریں گے اپنے اعمال کی وجہ سے. اب یہاں پر قرآن جو ہے وہ ان کے بارے میں ایک اور آگے بڑھ کر یہ کہتے ہیں کہ تمنا تو بہت دور کی بات ہے، بلکہ یہ لوگ تو تمنا کرتے ہیں کہ ہم 1000 سال جئیں. خو اس آیت میں کچھ الفاظ کے معنی ہم نے گزشتہ گفتگو میں بیان کیے تھے، یہاں پر ایک نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیں کہ وَلَتَجِدَنَّهُمْ بعض مفسرین نے یہاں پر لام کو لام قسمیہ کہا ہے، لام قسم کے لیے آتا ہے، جس طرح والعصر یعنی عصر کے قسم، واو قسم کے لیے، والعصر میں واو قسم کے لیے ہے. تو قرآن جو ہے وہ مختلف انداز سے قسم کھاتا ہے، جیسے آیت ہے کہ فربکا، تو تمہارے رب کی قسم، اس طریقے سے ظاہراً جو ہے وہ ایک جگہ پر آیا ہے، یعنی کم از کم ایک جگہ پر. لتجدن یعنی یہ بھی قسم کے معنوں میں ہے، کہ یعنی تاکید کرنے کے لیے، تاکید بیان کرنے کے لیے. لَتَجِدَنَّ کو ہم نے بیان کیا تھا، دو معنوں کے لیے آتا ہے، تَعْلَمَنَّ یعنی تم جانو گے اور تم پاؤ گے، دونوں معنی جو ہے وہ درست ہو سکتے ہیں، کہ تم ہم
ये होम का इशारा किसकी तरफ है? ये कौम बनी इसराइल यहूदी अफराद है ये। लतजदन्नहुम यानी तुम हतमन इनको देखोगे या इनको जानोगे, इनको पहचानोगे या इनको पाओगे, यानी इन यहूदियों को। और तजदन्ना आपकी खिदमत में अर्ज किया था कि यहाँ पर नून ताकीद सकीला है। तजदा ये नून जो मुशद्दद है, नून के ऊपर जो तशदीद है, ये ताकीद के लिए, यानी तुम लोग तुम यानी कुरान जो है वो असल ताकीद कब कही जाती है? जब इंसान अपनी बात को बहुत ज़्यादा शिद्दत के साथ बयान करता है तो ताकीद लेकर आता है, ताकीद लेकर आता है। खुब कुरान जो जिसका कहना ही काफ़ी है हमारे लिए, जिसका कहना ही हमारे लिए काफ़ी है, लेकिन जो है वो खुद कुरान एक बात को ताकीद से कह रहा है, कसम खा रहा है, और जो है वो नून ताकीद सकीला जो तजदन्ना ये जो नून के ऊपर तशदीद के साथ है इसको कहते हैं नून मुशद्दा यानी तशदीद के साथ नून। तो जो फरमाते हैं यानी ताकीद के लिए है, यानी ज़रूर ब ज़रूर तुम इनको पाओगे, इनको देखोगे या इनको जानोगे, सही ना? क्या जानोगे आप इनको या क्या पाओगे इनको? अहरसा। हरसा का माना क्या है? शिद्दत तलब के लिए इस्तेमाल होता है, शिद्दत तलब के लिए, शदीद तलब करने के लिए इस्तेमाल होता है। और अब उर्दू में हरीस इस्तेमाल करते हैं, शायद जो है वो बज़ाहिर मनफी मानों के लिए इस्तेमाल होता है हरीस उर्दू में, लेकिन अरबी में जो है वो हरीस जो है वो अच्छे मानों के लिए भी इस्तेमाल होता है, अच्छे मानों के लिए भी इस्तेमाल होता है। कि हमने गुज़िश्ता गुफ्तगू में बताया था कि कुरान एक मकाम पर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी मोमिनीन की हिदायत के लफ्ज़ हरीस को इस्तेमाल किया है, हे रे ये स्वाद हरीस। यहाँ पर भी अहरसा, अहरसा जो है वो इसमें तफजील के लिए आया है। इसमें तफजील कहाँ पर इस्तेमाल होता है? कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पर जो वो शेख मुर्तज़ा अंसारी आलम फुकाहा है, यानी तमाम फुकाहा से आलम है, तो आलम आलम उसी वजन के ऊपर है अहरसा। यानी क्या कहना चाह रहा है कुरान? कुरान ये कहना चाह रहा है कि तुम इन यहूदियों को पाओगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वाले, ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वाले, आप इन यहूदियों को, इन इस कौम बनी इसराइल को पाएंगे, देखेंगे, जानेंगे। क्या? अहरसन्नास, के लोगों में सबसे ज़्यादा हरीस हैं ये लोग, सबसे ज़्यादा जो है वो यानी ये वाकन काबिल तवज्जो नुक्ता है। यानी कुरान ये बात कह रहा है कि आप इन यहूदियों के बारे में पाएंगे और इन यहूदियों को पाएंगे कि ये ज़्यादा हरीस होते हैं ज़िंदगी और हयात के बारे में। कौन इंसान ज़िंदगी को नहीं ख्वाहिश करता है? लेकिन कुरान ने यहूदियों के बारे में बड़ी ताज्जुब, यानी अजीब बात है ये कि ये यहूदी तमाम लोगों में सबसे ज़्यादा हरीस होते हैं किस चीज़ के ऊपर? अला हयातिन, अला हयातिन यानी दुनियावी हयात के लिए, ज़िंदगी के लिए सबसे ज़्यादा हरीस ये यहूदी हुआ करते हैं, ये कौम बनी इसराइल हुआ करते हैं। वाकई अजीब है ये। चले मोमिन और मुसलमानों के बारे में शायद ये कहा जा सकता है कि जन्नत के बारे में अगर वो अकीदा रखते हैं तो वो शायद जो है वो अगरचे ज़ाहिर यहूदी भी कयामत और जन्नत और आखिरत के ऊपर तो ईमान रखते हैं, लेकिन यहूदियों के बारे में कुरान ख़ास ये कह रहा है कि ये जो वो ज़िंदगी के ऊपर बहुत ज़्यादा हरीज़ होते हैं तमाम लोगों में। अहरस अन्नास, तवज्जो करें, ये जो अहरस है किस वजन के ऊपर है? अहरस अफ़अल के वजन पर है, आलम के वजन पर है, अकबर के वजन के ऊपर है, सही ना? यानी
कंपैरिजन में कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल होता है, सही ना। मसलन शेख मुर्तजा अंसारी आलम मिन जमी अल फुकहा, तमाम फुकहा से जो कि वो आलम है। अच्छा ये मैं 2 मिनट के लिए जरा पॉज करूंगा, 2 मिनट के लिए। जी माफी चाहता हूं मैं। खूब तवज्जो फरमाएं कि आहरसा जो है वो कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल होता है, सही ना। मिसाल के तौर पर शेख अंसारी आलम मिन जमी अल्फुकहा, मसलन कि शेख मुर्तजा अंसारी जो है वो तमाम फुकहा से आलम है, यानी तमाम फुकहा से ज्यादा आलम जो है वो शेख मुर्तजा अंसारी। यहां पर क्या कह रहा है कुरान कि ये यहूदी क्या है, यहूदी जो है वो आलम अहरसा अहरसन्नास है, अहरसन्नास अहरसन्नास यानि तमाम लोगों में सबसे ज्यादा हरीस ये यहूदी हुआ करते हैं। अब अहरसा जो ये अफअला है, आलमा है, ये 2 तरीके से इस्तेमाल होता है, कभी मिन के साथ इस्तेमाल होता है, कभी बगैर मिन के होते हैं। यहां पर बगैर मिन के इस्तेमाल हुआ है, बल्कि दोनों इस्तेमाल हुए हैं। खूब तवज्जो कीजिएगा इस आयत को, यहां दोनों इस्तेमाल हुए हैं। अहरसुन्नास अहरसन्नास नहीं कहा अहरस मिनन्नास, इसे कि यूं भी इस्तेमाल होता है, अहरसन्नास यानी लोगों में सबसे ज्यादा हरीस है। किस चीज के ऊपर हरीस है? अला हयातिन, किस चीज के ऊपर हरीस है? अला हयातिन यानी जिंदगी गुजारने के ऊपर, दुनिया में रहने के ऊपर ये ज्यादा तमाम लोगों में सबसे ज्यादा हरीस है। खुब मैंने आपकी खिदमत में गुज़िश्ता गुफ्तगू में एक नुक्ता अर्ज किया था कि यह आयत आयत मुतशाबे है, सही ना, आयत मुतशाबे है। आयत मुतशाबे का मतलब क्या होता है कि किसी आयत के बारे में 2 तर्जुमे किए जा सकते हैं, 2 माना किए जा सकते हैं, सही ना, 2 माना किए जा सकते हैं। तो और दोनों माना जो वो मुख्तलिफ हो तो दोनों माना सही बैठ रहे हो, लेकिन जाहिर है खुदा की मुराद क्या है वो खुदा बेहतर जानता है। तो ऐसी आयत को आयत मुतशाबे कहते हैं। यहां पर भी ये आयत जो है आयत मुतशाबे है और 2 ऑपोजिट माने हैं। इसमें आप जरा दिक्कत कीजिएगा कि किस तरीके से ये आयत जो वो 2 मुख्तलिफ और मुतफावित और ऑपोजिट जो वो माना इससे निकलते हैं। पहला तर्जुमा करता हूं मैं। खुब यहां तक तो बात तर्जुमा जो कि बिल्कुल वाजे था और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अच्छा इसीलिए ग्रुप में मैंने एक मैसेज भी डाला था कि ये जो तर्जुमे किए जाते हैं, क्योंकि कुरान की आयत में मुख्तलिफ अंदाज से माना और तर्जुमे हो सकते हैं, तो जाहिर है मैं किसी एक तर्जुमे को ओन नहीं कर सकता हूँ, शरी जिम्मेदारी हो सकती है, लिहाजा मैंने वोट डाला था। तो शायद मुमकिन है किसी को ये एहसास हुआ हो कि मैं कोई अपने आप को बहुत बड़ा आलिम फाजिल समझता हूँ, नहीं कतन ऐसी कोई बात नहीं थी, बल्कि जो है वो इस वजह से था कि तर्जुमे जो वो मुख्तलिफ तर्जुमे हो सकते हैं, लिहाजा जो है वो शरी लिहाज से जो वो इश्काल ना हो जाए, इसलिए मैंने ये बात कही थी। अब आप देखें मुलाहिजा फरमाए 2 तर्जुमे कैसे हो सकते हैं। वलतजिदन्नहुम अहरसन्नास अला हयातिन, कि आप इनको पाएंगे लोगों में सबसे ज्यादा हरीस जिंदगी और दुनिया गुजारने के ऊपर, सबसे ज्यादा आप इन यहूदियों को पाएंगे। वमिनल्लज़ीना अशरकू, अब यहां पर एक इख्तिलाफ है, यानी 2 अब यहां पर माने हो सकते हैं वमिनल्लज़ीना अशरकू। एक ये है कि मिनल्लज़ीना अशरकू को नास के ऊपर अस्फ करें, तो तर्जुमा क्या बन जाएगा, वलितजदन्नहुम अहरसन्नास अहरस मिनल्लज़ीना अशरकू, और आप इन यहूदियों को पाएंगे तमाम लोगों से ज्यादा हरीस पाएंगे, और उन लोगों से भी ज्यादा हरीस पाएंगे जो शिर्क करने वाले हैं। ये अल्लज़ीना अशरकू कौन है? नास तो समझ में आ गया, अल्लज़ीना अशरकू कौन है? कहते हैं कि मिनल्लज़ीना अशरकू से मुराद मजूसी मुराद है, मजूसी मुराद है।
مجوسی. اچھا مجوسی چونکہ قیامت کے اوپر ایمان نہیں رکھتے ہیں لہذا قرآن ان کو ایک خاص طور پر الگ سے بیان کر رہا ہے کہ یہ مجوسی جو آخرت کے اوپر ایمان نہیں رکھتے، یہ یہودی جو آخرت کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، اس کے باوجود یہ لوگ ان مجوسیوں کی کمپیریٹیولی اور ان کی نسبت بھی زیادہ زندگی گزارنے کے اوپر حریص ہے. توجہ کیا آپ نے؟ یعنی دو لوگوں سے زیادہ حریص ہے، ناس لوگوں سے، یہ تو عمومی طور پر سب لوگ ہو گئے، اب خاص کہہ رہے ہیں کہ ان مشرکین سے جو مجوسی ہیں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ان سے بھی زیادہ جو کہ وہ زیادہ زندگی اور حیات پر حریص اور لالچ رکھتے ہیں، تما رکھتے ہیں طول عمر کے اوپر. توجہ فرمایا، یہ ایک معنی ہو گیا، یہ ایک معنی ہو گیا، ایک معنی ہو گیا. دوسرا معنی کیا ہے؟ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرْ أَلْفَ سَنَةٍ. دوسرا معنی، توجہ فرمائیں، دوسرا معنی یوں ہے، وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور انہی یہ، اب دوسرا معنی کر رہا ہوں میں، اور انہی یہودیوں میں سے، من الذین اشرکوا، بعض وہ یہودی ہیں کہ جو تمنا، یودو کسے کہتے ہیں؟ ودا، یودو، خب ایک شیعہ کو یودو کا معنی معلوم ہونا چاہیے ایک شیعہ کو، کیوں؟ اس لیے کہ آئے مودت، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربا. یہ جو مودت ہے، یہ ودا یا ودو ہے، مودت یعنی محبت. توجہ کیا آپ نے؟ یہ ودا محبت کے معنوں میں، چاہنے کے معنوں میں ہے، صحیح نا؟ ہم جو کیوں کہ ہم نے شیعہ کو معلوم ہونا چاہیے، کیونکہ آئے مودت، اسی روٹ ورڈ استعمال، یہی اسی کے روٹ ورڈ استعمال ہوئے، ودا چاہنا، محبت کرنا. توجہ کیا آپ نے؟ کہ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، کہ انہی، دوسرا معنی کر رہا ہوں اب میں، انہی مشرکین میں سے بعض وہ ہیں، یودو احدہم، کہ ان میں سے ہر ایک، یودو یعنی چاہتا ہے، کیا چاہتا ہے؟ لو یعمر الف سنہ، کہ 1000 سال زندگی گزارنا چاہتا ہے. بس توجہ کیا آپ نے؟ یہ دو ترجمے، واپس سے ترجمہ کرتا ہوں، غور سے سنیے گا. دو ترجمے، پہلا ترجمہ یوں ہے کہ آپ ان یہودیوں کو پائیں گے کہ لوگوں میں سب سے زیادہ زندگی گزار دنیا میں رہنے کے حریص ہوتے ہیں، اور مجوسیوں کی نسبت بھی زیادہ حریص ہوا کرتے ہیں. توجہ کیا آپ نے؟ مجوسیوں کی نسبت بھی زیادہ حریص ہوا کرتے ہیں. وہ مجوسی کہ جو ان میں سے ہر ایک مجوسی کیا چاہتا ہے؟ کہ زندگی گزارے 1000 سال زندگی گزارے، یعنی وہ مجوسی جو چاہتا ہے 1000 سال زندگی گزارے، ان کے کمپیریٹیولی بھی یہودی جو کہ زیادہ حریص ہوا کرتے ہیں. اچھا، یہاں پر آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ جو پہلا معنی ہم نے کیا، یہاں پر پہلے والے معنی کی تائید میں ایک نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کریں. اچھا، مجوسی جو ہے یعنی آتش پرست، چونکہ نوروز مناتے ہیں نا، یہ لوگ اپنے مجوسی ایک دوسرے کو گریٹنگ کرتے ہیں، ایک دوسرے کو تہنیت پیش کرتے ہیں، اور ایک دوسرے کو دعا دیتے ہیں اور گریٹنگ کرتے ہیں کہ 1000 سال بیزی، یعنی 1000 سال جیو. یہ خاص طور پر جو کو یہودیوں کے بارے میں مشہور ہے یہ اصطلاح کہ بیزی 1000 سال، چونکہ فارسی، کیونکہ یہ آتش پرست عام طور پر جو کو وہ فارسی ہوتے ہیں، ایرانی ہوتے ہیں، جو مجوسی ہے ان کی بیس یزد ہے، یزد جو ایران کا شہر ہے، یہ آتش پرستوں کا جو کہ وہ بیس ہے یہ یزد. تو ان کا ایک محاورہ استعمال ہوتا ہے کہ 1000 سال بیزی، یعنی 1000 سال جیو. تو یہ ان کا، یہ ایک قدیم، چونکہ قدیم مذہب ہے یہ آتش پرست مجوسی، ایک قدیم مذہب ہے یہ، لہذا قرآن ان کے بارے میں کہتا ہے کہ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، انہی
लोगों में से जो शेर करने वाले हैं उनमें से बाज यानी ये मजूसी यवद्दु अहदुम, इनमें से हर एक ख्वाहिश करता है क्या, लव यु अमर अल्फसना, लव यु अमर के अगर हम उम्र करें, यु अमर यानी जिंदगी, उम्र से निकला है कि हम जिए जिंदा रहें, कितना अल्फसना हजार साल जिए। खूब, बस ये एक पहला तर्जुमा हो गया। क्या हो गया पहला तर्जुमा, कि इन यहूदियों को तुम पाओगे कि तमाम लोगों में सबसे ज्यादा हरीस है और हत्ता मुशरिकीन के कंपैरेटिवली भी ज्यादा हरीस है। वो मुशरिकीन, वो मजूसी के जो जिनमें से हर एक क्या तमन्ना करता है, क्या ख्वाहिश करता है, क्या मोहब्बत करता है, क्या चाहता है कि वो हजार साल जो वो जिए। ये एक तर्जुमा। दूसरा तर्जुमा क्या है, लौ लतजदन्नहुम अहरसन्ना से अला हयातिन, कि इन यहूदियों को तुम पाओगे कि ये जो लोगों में सबसे ज्यादा हरीस है कि जिंदगी में जिंदगी पर गुजारने में ज्यादा हरीस है। दूसरे वाले तर्जुमे में यहां पर आयत स्टॉप हो जाती है, सही स्टॉप हो जाती है। वमिन अल्लज़ीना अशरकू, पहले वाले तर्जुमे में अल्लज़ीना अशरकू में मुराद मजूसी है, सही। दूसरे वाले तर्जुमे में आयत यहां पर स्टॉप भी हो जाती है, वमिन अल्लज़ीना अशरकू में अशरकू से मुराद अब मजूसी नहीं है, बल्कि कौन मुराद है, वही यहूदी मुराद है। कौन मुराद है, वही यहूदी मुराद है, कि इन्हीं यहूदियों में से बाज कौन है जो चाहते हैं कि हजार साल जिंदगी गुजारे। सही, दो तर्जुमे वाज़े हो गए। पहले में यानी पहले में उमूमी यहूदियों को बयान किया और दूसरी आयत में खास यहूदियों के बारे में बयान किया, यानी बाज यहूदी ऐसे हैं। सही, ये दूसरा तर्जुमा हो गया। जबकि पहला तर्जुमा क्या है, कि खुद ये यहूदी तमाम लोगों की निस्बत भी ज्यादा हरीस है और मजूसियों की निस्बत भी ज्यादा हरीस है। वो मजूसी जो एक दूसरे को ग्रीटिंग करते हैं कि हजार साल जियो। सही, उम्मीद है इंशाल्लाह बात वाज़े हो गई होगी। खूब, उसके बाद कुरान की आयत क्या बयान करती है इसी 96 में, वमा हुआ बेमुज़ाहज़िहि मिनल अज़ाब अन युअम्मर। खूब, वमा हुआ बेमुज़ाहज़िहि मिनल अज़ाब अन युअम्मर, कि यह आयत जो है वो इस तरीके से बयान करती है। माँ माए नाफिया है, नफी नेगेटिव मानों में है। क्या कहना चाहती है आयत, आयत ये आसान अल्फाज में इस आयत का तर्जुमा यूं है कि इनका ये तमन्ना करना, ये आरजू करना, इनका ये तवील हजार साल उम्र करना खुदा के अजाब से बचाने वाला नहीं है। यह आसान अल्फाज में इसका तर्जुमा हो गया। आइए अब हम इस अल्फाज कुरान के अल्फाज से इस माना को निकालें। वमा हुआ यानी नहीं है। मुजाहजा किसे कहते हैं, मुजाहजा रोकने वाला, बचाने वाला, रोकने वाला, बचाने वाला नहीं है। मुजाहजा किसे कहते हैं, मुजाहजा रोकने वाला, किस चीज से रोकने वाला, मिनल अजाबे, अजाब से रोकने वाला नहीं है इनको। क्या रोकने वाला नहीं है, अन युअम्मर, जितना जिंदगी दुनिया में गुजारना हो गुजार लो। कितने साल गुजारोगे, हजार साल गुजारोगे, बिल आखिर पलट कर तो हमारे पास ही आना है ना। ये कुरान इस तरीके से गोया बयान कर रहा है। तो वो जो क्या वमा हुआ, ये नहीं है, क्या नहीं है, बेमुजाजी बेमिनल अजाब, इनको बचाने वाला नहीं है अजाब से। क्या चीज बचाने वाली नहीं है, अन युअम्मर, इनका तवील उम्र करना, इनका तवील उम्र करना। अयु अमर, ये अन का काम है, इस फेल को आकर तामीर के मानों में, यानी तामीर, तामीर तामीर इमारत से निकला है ना, किसी चीज की तामीर करना यानी उसको उसको मजबूत कर देना, उसकी तामीर करना, फिर वो ताकि ज्यादा जो है वो इसकी लाइफ बन जाए, सही ना, ज्यादा लाइफ बन जाए। जब एक चीज की तामीर की जाती है तो उसकी लाइफ में इजाफा हो जाता है। तो ये दरअकी तामीर, उम्र, युअम्मर सब एक ही मानों में, यानी उम्र करना, उम्र करना, ज्यादा तवील उम्र होना, सही ना। तो इनका तवील उम्र होना, इनका तवील जिंदगी गुजारना, उन्हें मुजाहजा नहीं करने वाला है अजाब से, यानी मना नहीं करने वाला है, रोकने वाला नहीं है, बचाने वाला नहीं है। जितने साल जिंदगी में जिंदगी गुजार ले, खुद जो को बिलाखिर अल्लाह की तरफ पलट कर आना है, लिहाजा जो है वो इनको
बचाने वाला नहीं है, इनको ज्यादातर तवील उम्र जो कि इनको बचाने वाली नहीं है। वल्लाहु बसीरुम बिमा यअमलून, और खुदावंद मुताल जो है वो बसीर है। बसीर यानी तवज्जो करें, यहाँ पर एक नुक्ता आपकी खिदमत में अर्ज करूँ, शायद पहले नहीं मालूम कि बयान किया था या नहीं किया था। बसीर हम कौन है, इंसान कौन है, हैवानात कौन है, बसीर है यानी देखने वाले, अपनी आंखों से देखते हैं। अच्छा, बसीर का काम क्या है, तवज्जो कीजिएगा, आंखों का काम क्या है, खूब देखना, लेकिन देखना नहीं है। दर हकीकत जब हम किसी चीज को देखते हैं तो हमारे नफ्स में उस चीज की तस्वीर आ जाती है, उस चीज का इल्म आ जाता है। सही, उस चीज का क्या आ जाता है, इल्म आता है। देखें, कुछ चीजें हम खुशबू करते हैं या बदबू करते हैं, नाक का काम है। खूब, ये नाक का काम आप आंख से कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। कभी खुशबू या बदबू आंख से महसूस नहीं कर सकते हैं। सही, कुछ चीजें हम सुनते हैं, कुछ चीजें हम क्या करते हैं, सुनते हैं। सही, तो सुनने वाली चीज भी आंख से की जा सकती है। आप आंख से किसी चीज के वॉल्यूम को सुन सकते हैं, नहीं सुन सकते हैं। सही ना, तो आंख का अपना कुछ काम है, नाक का अपना काम है, कान का अपना काम है। ये तीनों चीजें क्या करते हैं, ये तीनों सेंसेस है ना, ये तीनों हवास हैं, ये तीनों सेंसेस हैं। ये तीनों सेंसेस अपने रिलेटेड चीज को नफ्स में मुंतकिल करते हैं और उसका इल्म देते हैं। हमने एक चीज को छुआ, गर्म है ये, सही, तो ये जो गर्मी का एहसास हुआ, हम इसको देख कर नहीं कर सकते थे, अगर इसमें से धुआं ना निकल रहा हो तो हम इसको देख कर नहीं पहचान सकते थे कि ये चीज गर्म है। सही ना, इसको कान से हम जज नहीं कर सकते थे कि ये चीज गर्म है, इसको हम नाक से जज नहीं कर सकते, नाक से हम सिर्फ खुशबू या बदबू को हम जज कर सकते हैं। तो ये जो फाइव सेंसेस हैं, जो फाइव सेंसेस है हवा से खमसा, ये दरहकीकत क्या है, ये फाइव सेंसेस का काम है कि मालूमात को नफ्स में मुंतकिल करना। सही, वाजो के यहां तक बात कि ये फाइव सेंस जो वो क्या होते हैं, आपने एक चीज को देखा तो आपके नफ्स में वो देखने वाली चीज मुंतकिल हो गई। सही, तो बसीर हो, समी हो, नाक से सूंघने वाली चीज और छूने वाली चीज, क्या है फाइव सेंस, आंख, जबान, एक चीज जो वो जबान रह गई। सही ना, कि जबान यानी जो चखने वाली है, चखने वाली, बू करने वाली, सुनने वाली, देखने वाली और छूने वाली, ये फाइव सेंस हो गए। ये सारा के सारे सेंसेस क्या करते हैं, आपके नफ्स में इसकी मालूमात को ट्रांसफर करते हैं। सही, आपके नफ्स में इसकी मालूमात को ट्रांसफर करते हैं, तो वो इल्म आपके अंदर हासिल हो जाता है। कि मिसाल के तौर पर आपने एक चीज को देखा, दीवार को देखा, टेबल को देखा, फर्नीचर को देखा, तो ये देखने वाली चीज आपके नफ्स में मुंतकिल हो गई। जो छूने वाली चीज है उस चीज का इल्म आपके नफ्स में मुंतकिल हो गया। खुदा वंद मुताल बसीर है। सही ना, हम भी बसीर है, खुदा भी बसीर है, लेकिन एक फर्क के साथ। क्या है फर्क, हमारे पास आंखें हैं, खुदा के पास आंखें नहीं है, हम आंखों के मोहताज हैं। हम जो देखकर हमारे नफ्स में मुंतकिल होता है, वो कौन सा हमारे पास सोर्स है, कौन सा सबब है जिसके जरिए हम देखने वाली चीज को अपने नफ्स में मुंतकिल करते हैं, वो आंखों का आला है। सही ना, वो आंखों का आला है, वो आंखों का जरिया है, सोर्स है, कि जिसके जरिए से हम देखने वाली चीज को अपने नफ्स में मुंतकिल करते हैं। कान जो वो हमारे पास सोर्स है कि हम सुनने वाली चीज को मुंतकिल करते हैं। खुदा समीउम बसीर है। सही ना, कुरान में इस्तेमाल भी होता है, खुदा समीउम बसीर है, यानी सुनने वाला भी और बसीर देखने वाला भी है, लेकिन वो मेरे और आपकी तरह आंखें और कान नहीं रखता है, खुदा मोहताज नहीं है। लिहाजा खुदा इन तमाम चीजों का इल्म रखता है बगैर आंख के और बगैर कान के। तो वो जो कि आपने बगैर आंख के और बगैर कान के, खुदावंद मुताल इन चीजों का इल्म रखता है जो हम आंख और कान से हासिल करते हैं, क्योंकि हम आंख और कान के मोहताज हैं, खुदा मोहताज नहीं है आंख और कान का। लिहाजा खुदा क्या कह रहा है, वल्लाहु बसीरुन, खुदा देखने वाला है। खुदा देखने वाला है यानी क्या मतलब, खुदा इल्म रखता है मुबसरात का, यानी जिस चीज को इंसान देखता है खुदा उस चीज के बारे में बगैर आंखों के उसका इल्म रखता है। किस चीज का इल्म रखता है, बेमा यामलून। खूब, अमल किससे ताल्लुक रखता है, बसारत से। इंसान जो एक्ट करता है, एक्शन करता है, अमल अंजाम देता है,
ये देखने से इंसान जानता है। तो खुदा बगैर देखे यानी बगैर आंख कहे खुदा इस चीज को देखता है यानी इसका इल्म रखता है। अब ये थोड़ी सी मुश्किल गुफ्तगु थी जो काबिल तवज्जो करने के काबिल है कि इसको इंसान थोड़ा सा जो वो तवज्जो करे कि अल्लाह बसीर है। सही है, अल्लाह बसीर है, लेकिन मेरे और आपकी तरह और तमाम जिनों इंसो हैवान की तरह नहीं है कि जो मोहताज हैं सोर्स और सबब के। खुदा बसीर है, जानता है उन तमाम चीजों को जो इंसान आंखों के जरिए से जानता है, लेकिन खुदा बगैर आले के और बगैर आंखों के और बगैर कान के बगैर फाइव सेंस के जो कि वो खुदा इन चीजों को जानने वाला है। किस चीज का जानने वाला है? बेमा या अमरून। अब यहां पर खुदा ने नहीं कहा कि मैं पहाड़ों को जानने वाला हूं, दरख्तों को जानने वाला हूं। खुद जानने वाला है खुदा, लेकिन जो बात यहां पर चल रही थी वो क्या चल रही थी? इन यहूदियों की के अमल की बात चल रही थी कि ये यहूदी क्या है? जो हरीस है, सही ना, जो हरीस है, जो ख्वाहिशमंद है कि हजार साल जिंदगी गुजारे या उससे भी ज्यादा जिंदगी गुजारे। तो खुदा जो कि वो इन चीजों को जानने वाला है जो ये लोग अंजाम देते हैं। सही, इंशाल्लाह आयत नंबर 97 इंशाल्लाह आने वाली गुफ्तगू में इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू करेंगे। वाखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन।